नंदू एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेड़ी थी। वो कभी इस रेड़ी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अब तो बरसात शुरू होने में समय है, तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले दो हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकई का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही बरसात शुरू हुई मकई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकई बिकेगी? ये लगभग 10-12 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकई थी ही नहीं, इसीलिए इस बार मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। नंदू मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर, उसी शाम नंदू ने अपनी रेड़ी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी नंदू का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नंदू की रेड़ी पे इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए नंदू, आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है, हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। और हम भी। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया। और अगले दिन ही नंदू के ठेले के बगल में दो और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पे जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो, अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो। अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से एक तिहाई आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे,
गरम गरम भुट्टे, स्वादिष्ट और सस्ता, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूँ? कम मुनाफा में भुट्टा बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूँ तो दोनों व्यापारी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा, एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू चिल्लाने लगा, ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा, रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनाने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले पे गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया, कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। लोग नंदू के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और नंदू का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिर उसका नया आइडिया काम कर गया। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। नंदू एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेड़ी थी। वो कभी इस रेड़ी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अब तो बरसात शुरू होने में समय है, तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकई का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही बरसात शुरू हुई मकई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकई बिकेगी? ये लगभग 10-12 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकई थी ही नहीं, इसीलिए इस बार मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। नंदू मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे,
और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर, उसी शाम नंदू ने अपनी रेड़ी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी नंदू का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नंदू की रेड़ी पे इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए नंदू, आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। और हम भी। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया। और अगले दिन ही नंदू के ठेले के बगल में दो और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बढ़ गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पे जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो, अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो। अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से एक तिहाई आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे, गरम गरम भुट्टे, स्वादिष्ट और सस्ता, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ अब मैं क्या करूँ, कम मुनाफा में भुट्टा बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूँ तो दोनों व्यापारी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे, नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा, एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे। और फिर आग जलते ही नंदू चिल्लाने लगा, ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा, रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनाने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले पे गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया, कितनी सदियों के बाद ये खा रही हूँ।
काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। लोग नंदू के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे, ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा, उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री ना होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और नंदू का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिर उसका नया आइडिया काम कर गया। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया। मनीषा एक भुट्टे वाली थी जो रोज गांव के एक किसान से भुट्टे खरीद कर बेचती थी। बहन जी, सारे ले लो, आसपास के किसी गांव में हमारे खेत जैसे मीठे भुट्टे नहीं हैं। ठीक है, 10 किलो दे दो। मनीषा गांव से शहर जाने वाली सड़क के किनारे अपनी दुकान स्वादिष्ट भुट्टे वाली लगाकर राहगीरों को सिके हुए भुट्टे बेचती थी। मीठे भुट्टे खा लो, भुट्टे मीठे। लो सेठ जी, मीठे भुट्टे खा लो, सिर्फ 10 रुपये का है। लाओ, एक भुट्टा दे दो। वाह, ये भुट्टे तो बहुत मीठे हैं। तो एक और ले लो। अरे नहीं नहीं, एक और खाऊंगा तो मेरा ये गुब्बारे जैसा पेट फट जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसकी दुकान से भुट्टे खरीदने लगे, जिससे मनीषा के पास बहुत पैसे जमा हो गए। अब उसके मन में लालच आ गया, अगर मैं इन भुट्टों का दाम बढ़ा दूं, तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं इन भुट्टों को सस्ते दाम पर खरीदूं, तो मेरी कमाई चौगुनी हो जाएगी। इस बार जब मनीषा भुट्टे खरीदने गई, तो उसने किसान को आधे पैसे ही दिए। अब माफ करो, इतने कम पैसों में भुट्टे नहीं दे सकता, मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी और किसान से ले लूंगी। मनीषा ने इस बार किसी और किसान से आधे दामों में भुट्टे खरीदे और बेचने लगी। भुट्टे ले लो, मीठे भुट्टे। ये भुट्टे तो कितने फीके हैं, इनमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। बेस्वाद भुट्टों के कारण मनीषा की दुकान चलना बिल्कुल बंद हो गई। अब उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे भुट्टे खरीद सकूं। मनीषा ने पैसे कमाने के लिए एक नई चालाकी की। उसने एक भुट्टे पर नशे की दवा मिलाकर एक राहगीर को बेच दी। भुट्टा खाते ही कुछ दूर जाकर राहगीर बेहोश होकर गिर पड़ा और मनीषा ने उसके पैसे और कीमती सामान चुरा लिए। इतने सारे पैसे, मजा आ गया। ये तो बहुत ही आसान काम है, ऐसे तो मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। मनीषा इसी तरह मालदार राहगीरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का भुट्टे खरीदने आया। बहन, एक भुट्टा देना।
इस लड़के के गले में इतनी मोटी सोने की चेन, इसे नशीला भुट्टा देती हूँ, जिसे खाते ही ये बेहोश हो जाएगा और मैं चेन लूट लूंगी। मनीषा ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उस लड़के ने भुट्टा खाया और कुछ दूर जाकर गिर गया और मनीषा उसकी चेन निकालने लगी। तभी वो लड़का उठ गया। मनीषा ये देख घबरा गई। मुझे पता था कि तुम हो और वो हो जो राहगीरों के पैसे और कीमती सामान चुराती हो। मुझे बहुत दिनों से तुम पे शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस ही तुम्हें सजा देगी। मनीषा की लालची प्रवृत्ति के कारण न सिर्फ उसका धंधा चौपट हुआ बल्कि उसे गलत रास्ते पर ले गया, जिसकी वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और मेहनत से काम करने से ही सफलता मिलती है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ, क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी? जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियाँ बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियाँ मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ, अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी ये गलत है, मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ तब जाके हम इतना कमाते हैं।
मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में दो इडली की दुकानें लगी। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था। लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। जुकामपुर नाम का एक गांव था, वहाँ शनकटा अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो शनकटा एक किसान था, लेकिन बड़ा चालाक और चतुर था। कोई भी शनकटा के दिमाग को पढ़ नहीं पाता था। आज सुबह से चाय नहीं मिली, दूध वाला आया नहीं क्या आज? जब दूध वाला ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? काली चाय तो पियेंगे नहीं आप, बल्कि सेहत के लिए तो अच्छी होती है काली चाय। मैं क्या किसी पहलवान से कम हूँ क्या? अकेले ही 10 पछाड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ बड़े आए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले गांव छोड़ने वाले आप ही होते हैं। बड़े आए बहकी बहकी बातें करने वाले। शनकटा वहाँ से अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत भुट्टे से भरे हुए हैं, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। मानो ना मानो, असली सुख इन खेतों में भुट्टे देखना ही है। लोग बाग दुनिया घूमने चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, मेरे लिए तो सारा सुख यहीं पर है। शनकटा वहाँ घूम ही रहा था कि उसने देखा कि पूरे भुट्टे के खेत में एक जंगली सुअर घूम रहा है, जिसे देखने के बाद वो उसे भगाने लगा। हट हट हट, दर दर दर, इन जंगली सुअरों का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारा व्यापार चौपट कर देंगे। कुछ ही महीने में बरसात शुरू होने वाली है, आज ही जाकर मैं सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा। शनकटा अपनी पत्नी नगमा के साथ गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, गांव में इतना सब कुछ हो रहा है और आप घर पर ही बैठे हैं। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बात है बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। होना क्या है, हमारे सारे भुट्टे के खेत जंगली सुअर खा जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। तुम तार बाट लगा दो अपने खेतों में, और क्या, उससे तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। साहब, हमने तार बाट लगाई थी, तेज आंधी पानी की वजह से सारी टूट गई। हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अच्छा चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। आज शाम को गांव में सभा होगी, उसमें हम कुछ तय करेंगे। सरपंच और शनकटा ने मिलकर पूरे गांव को सभा में बुलाया, और जैसे ही सभा शुरू हुई, शनकटा ने गांव वालों से कहा, आज ये सभा जंगली सुअरों से निपटने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुअरों ने हमारे भुट्टे की फसलों को बर्बाद कर दिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई खेत हमारा बचेगा नहीं। जी सही कहा शनकटा भाई साहब ने, हम गांव वालों के मन की बात सुन ली। उतने में वहां पर अनाज घर का साहूकार विनय आ गया और कहने लगा, इस बार के भुट्टे हमारे,
विदेश में बिकने वाले हैं, हमारे गांव के भुट्टे को विदेश में बेचा जाएगा, ज्यादा पैसे, और तो और विदेश घूमने का अवसर भी है तुम गांव वालों के पास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसीलिए अब से हर रात गांव के दो मर्द खेतों में पहरा देंगे। मैं और गबरू गांव के ये दोनों पहलवान हर रात जाकर पहरा देंगे। और गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। हर रात शनकठा और गबरू खेतों पर पहरा देने लगे। एक रात शनकठा के खेत में एक मोटा सुअर आकर खेत के भुट्टे खाने लगा। खेतों में हलचल होने से गबरू ने उसे देख लिया। शनकठा भाई, तुम्हारे खेत में सुअर है, मैं अपनी बाण से उसे मार गिराऊंगा। मारना मत, बस डराकर भगा दो। गबरू ने अपनी बाण से एक तीर खींची और उस सुअर को जख्मी कर दिया। शनकठा ये देखते ही गबरू पर चिल्लाने लगा, देखा तुमने मार दिया उसे, मैंने कहा था ना मत मारो, बेचारा सुअर। इन्हें छोड़ो मत, सबको खत्म कर दो, हट जाओ यहाँ मत आओ। शनकठा उस जंगली सुअर को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। पूरी रात देखभाल करने के बाद वो सुअर एक इंसान की आत्मा में बदल जाता है, जिसे देखकर शनकठा बहुत ही डर जाता है। कैसे हो शनकठा, मैं भी तुम्हारे गांव के पूर्वजों में से एक हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक श्राप की वजह से सुअर के भेष में था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उस गबरू ने मुक्त कर दिया, मैं तो बस आपकी जान बचा रहा था। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिस भुट्टे को खाते हुए मुझे तीर लगा था वो भुट्टा सुबह हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। भुट्टा हवाई जहाज, जैसे ही सूरज की पहली किरण उस भुट्टे पर पड़ेगी वो हवाई जहाज बन जाएगा। तुम उससे शहर जाकर अपने भुट्टे बेच सकते हो और अपना व्यवसाय दो गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तथास्तु। और हाँ, इन भुट्टों के गायब होने में सिर्फ जानवरों का हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारे सरपंच का भी है, सारे भुट्टे वही रात के समय चुराया करता था। इतना कहकर वो आत्मा और सुअर दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। शनकठा ने सारी बातें अपनी पत्नी नगमा को बताई। तब नगमा ने कहा, सुबह होने में बस कुछ ही देर है, हमें हमारे खेत के पास जाकर देखना होगा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार सोने का हो जाएगा और सरपंच जी भी पकड़े जाएंगे। नगमा और शनकठा दोनों ही सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की किरण उस भुट्टे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सारे भुट्टे उस सुअर के आशीर्वाद से हवाई जहाज में तब्दील हो गए हैं, जिसे देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। ये हुई ना कुछ बात, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर गांव वालों को बुला कर ले आती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाओ जाओ सबको बुला लाओ। अब तुम पूरे गांव के भुट्टे ले जाकर शहर में बेचाना। क्यों, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझ जैसे बूढ़े को तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस भुट्टे के हवाई जहाज में चढ़ें। चलो ठीक है, मैं भी अपने सारे भुट्टे लेकर तुम्हारे इसी हवाई जहाज में आऊँगा और मुनाफे का आनंद उठाऊंगा। सरपंच और गांव वाले उस भुट्टे हवाई जहाज में जैसे ही चढ़े, सरपंच के भुट्टे एकदम से गायब हो गए, जिसे देखकर सरपंच हैरान हो गया। हाय, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे चोरी हो गए। आपके भुट्टे चोरी नहीं, उनके पास चले गए जिनके पास से आपने चुराए थे। आपकी सच्चाई अब सबके सामने है, अब हम गांव वाले आपको सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं लालच का शिकार हो गया था, पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लालच वालच कुछ नहीं, अब हम आपको इस गांव से बाहर निकालते हैं, दोबारा इस गांव में नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अब से हम हर शहर जाकर अपने भुट्टे बेचेंगे इस भुट्टे हवाई जहाज की मदद से, मेरे साथ तुम सब भी चलो। लेकिन ये शुरू कैसे होगी, इसे चलाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, सूरज की किरणों से ये भुट्टा उड़ने लगेगा, ये हमें अपने आप अपनी जगह पर पहुँचा देगा। और वैसा ही हुआ, सभी भुट्टे के हवाई जहाज पर बैठ गए। जैसे ही सूरज की किरण उस हवाई जहाज पर पड़ी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगा। सारे हवाई जहाज में बैठकर बादलों में चले गए और बादलों का नजारा देखने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, और वो भी भुट्टे के हवाई जहाज में। ये सब अच्छे कर्मों और अच्छी निष्ठा का किया हुआ है, हम अपनी फसल अच्छे दामों में बेच कर गाँव वापस जाएंगे और हर साल इसी भुट्टे के हवाई जहाज से सारे शहर की सैर करेंगे। सारे भुट्टे के हवाई जहाज की मदद से शहर पहुंच जाते हैं और अपना भुट्टा अच्छे दामों में बेच देते हैं।
शंकटा को गांव का सरपंच बनाया गया और गांव की हर फसल की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव दोबारा खुशी से चहक उठा। फूलपुर नाम के एक गांव में एक जादूगर रहता था। अपनी कला से वो लोगों को जादू दिखाकर अपने और अपने बच्चों की परवरिश किया करता था। बड़ा बेटा राजू, जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, और छोटा बेटा श्याम, जिसका सपना था कि बड़ा होकर वो आलीशान गेस्ट हाउस खोले। उन्हें अपने पिताजी के कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा से उनके कर्तव्य के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पिताजी अपने कर्तव्य को छोड़कर कोई ढंग का काम काज करे। भाई, पिताजी को हमने लाख समझाया कि ये काम छोड़ दें। कब तक कर्तव्य और कबूतर उड़ाकर घर चलाएंगे? हमें आगे चलकर हमारे सपने पूरे करने हैं। बात तो सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास हैं भी नहीं। हम ये सब करेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। राजू और श्याम के ऐसे व्यवहार से जादूगर हमेशा दुखी रहता। अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाना जादूगर के लिए भी मुश्किल था। एक बार जब जादूगर अपना कर्तव्य लोगों को दिखा रहा था, उसी कर्तव्य के दौरान उसे चोट लग गई और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें अब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेहत का ध्यान दे, इन्हें आराम की जरूरत है, और आप लोग इनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। पहले ही कम दिक्कतें थी, अब और हमारे परिवार में आ गई। एक तो हमारे घर पर एक ही आदमी थे जहाँ से आमदनी आ रही थी, सारे पैसे हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो गए। राजू और श्याम की चिंता देखकर उनके पिताजी उन्हें बुलाकर कहते हैं, तुम दोनों क्या सोचते हो? मैं तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं जानता। मुझे पहले से ही पता है तुम्हें गेस्ट हाउस खोलना है और तुम्हें पायलट बनना है। कम पैसों की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जादुई तजुर्बे से कह सकता हूँ तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप हमारी चिंता ना करें, आप अपना ध्यान रखें। बचपन से आपने ही हमें संभाला है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन हमारी इच्छाएं आपको कैसे पता चली? इस बारे में तो हमने आपसे कभी कोई बात नहीं की। वो तो तुम्हारा बाप ही ना, समय आने पर तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। जाओ जाओ, अब मुझे आराम करने दो। राजू और श्याम अपने पिताजी के कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी ने उनके लिए एक छोटा जादुई प्लेन रखा है। राजू और श्याम जानते थे कि उसमें जादू है। दोनों भाई जादुई एरोप्लेन लेकर खुले मैदान में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। शायद इस मैदान में कुछ काम बने, एरोप्लेन यहां रख दो और जादू देखो। राजू ने जैसे ही एरोप्लेन जमीन पर रखा, देखते ही देखते एरोप्लेन पूरे मैदान में आ गया। अरे वाह, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। जरूर पिताजी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा। इससे हम व्यापार करेंगे, विदेशी लोगों को हमारे गांव में विमान से लाकर उसका उपयोग करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारा कारोबार बहुत चलेगा अगर हम इसे चला पाए तो। ठीक वैसा ही हुआ। राजू अपने जादुई एरोप्लेन से विदेश जाकर विदेशियों को लाता। समय बीत रहा था, जादूगर की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। अपने बच्चों को खुश देखकर वो बहुत खुश था और एक दिन अपने बच्चों के एरोप्लेन के चक्कर लगाने के लिए जादूगर चला जाता है। अरे वाह राजू बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा व्यापार संभाला हुआ है। मैंने तो छोटी सी एरोप्लेन रखी थी यहाँ। देखने से पता चल रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर आलीशान महल बना दिया है। अरे पिताजी, ये सब आपकी जादू की वजह से ही तो हुआ है, वरना हम कहाँ जाते? राजू भैया भी बहुत खुश हैं। जी पिताजी, मेरा बचपन का पायलट बनने का सपना पूरा हो गया। मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन आपके जादू की मदद से मैंने हर चीज हासिल कर ली है। राजू का एरोप्लेन से बहुत अच्छा कारोबार होने लगा था और श्याम राजू के एरोप्लेन से विदेशियों का स्वागत करता था और उन्हें गांव घुमाने का काम किया करता।
दोनों भाई अच्छा पैसा कमा रहे थे। विदेशी उनके काम से खुश होकर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। सुनो, हम तुमसे कहना चाहता है कि एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस शुरू कर दो, इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इस बारे में सबसे बात करता हूँ। थैंक यू। श्याम विदेशी की बात सुनकर अपने भाई और अपने पिता से ये बात कहता है। भाई और पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस चालू कर दें? इससे हम लोगों को अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे कई गांव में घुमाएंगे। सही कहा, लोग घूम भी लिया करेंगे और वहीं आराम भी कर लिया करेंगे। तुम दोनों की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं। बस एक शर्त है, इसमें तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा। सब खुश हो जाते हैं और एरोप्लेन में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था मानो आलीशान महल हो। लोग एरोप्लेन गेस्ट हाउस पर खूब मजे से सवारी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, मुझे नहीं लगा था कि मेरा गेस्ट हाउस खोलने का सपना कभी सच हो पाएगा, इसलिए हमने तय किया है। क्या, मुझे भी बताओ। हमारे परिवार ने तय किया है कि आने वाले पूरे एक साल तक तुम्हें हम फ्री में घुमाएंगे और अपने एरोप्लेन गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देंगे। और इसी तरह राजू और श्याम का एरोप्लेन गेस्ट हाउस दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते और उसका आनंद लेते, और वो विदेशी आदमी भी उनके रंग में रंग गया था। रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा दो जिगरी यार रहते थे। शहर से पढ़ाई करके जब वो रमेशपुरम आए तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरम में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा, गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी लोग इस गांव के उस श्राप से मुक्त नहीं हुए। वो पिछले जमींदारों की बात थी, उनके छल कपट से लोग आज भी यहाँ गर्मी से परेशान हैं। वही तो, मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है इनके लिए। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक भुगतते रहेंगे? गांव की दुर्दशा देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके झुग्गी चाचा आ गए। आ गए तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो, जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा कि परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। और आप ये इतने सारे बर्तन लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले श्राप की वजह से आज भी गांव में पानी की एक बूंद नहीं आती, इसलिए हम दूसरे गांव जाकर वहां पानी जमा करते हैं। जुग्गी चाचा अपने साथ उन्हें दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनवा कर रखवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। यह तो बहुत ही गंदा पानी है, इस पानी को आप सब पी रहे हैं, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है कि इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, लाचार हैं पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? मैं अपने रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा, उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुलदेवी को खुश करने की बात सुनी तो वो दोनों जप तप और कुलदेवी को खुश करने के उपाय ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं, उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ,
अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी ऊंची चोटी वाली कुलदेवी के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जब तप करने ऊंची चोटी के कुलदेवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग जब तप करना शुरू करते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मेरे आज के पूरे गांव वालों को मिल रही है। कृपा करें देवी, कृपा करें। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ पर कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे संपूर्ण गांव, प्रेम और अच्छे मन की वजह से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी मांगे तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक आशीर्वाद इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है, उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है, उन्हें खुश करने के लिए कोई तो उपाय बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की समस्या चली जाए। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ, इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुलदेवी ने बर्फ बनाने के उपाय उन्हें बता दिए थे। उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गाँव वासी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। आज ही मेरे दूर का मित्र अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का उपयोग कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा दोनों खुशी से पागल हो गए। कैसे हो जमींदार साहब, तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। अब आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर दिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल कैसे कुछ हो सकता है? इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को घुमाएंगे और उन्हें खुश करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताई। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने इतना बड़ा बर्फ का एरोप्लेन बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इसमें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी, तुम जाकर सबको बुला कर लाओ। उनके साथ साथ मैं भी बर्फ के हवाई जहाज की सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बिठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितनी आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने, पूरा गांव अपने दुख भूलकर इस बर्फ के हवाई जहाज का आनंद ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में आनंद लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश,
लगता है मेरे पुरखों को जो श्राप लगा था वो चला गया। हमारे गांव में वर्षा होने लगी। हमने कुल देवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से श्राप हट गया। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम गांव वाले हमेशा कर्जदार रहेंगे तुम्हारे। सही कहा दादी ने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरा गांव इस बात का जश्न मनाएगा। सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे, बारिश का आनंद लेने लगे और बर्फ की हवाई जहाज पहले की जैसी बन गई, जिसे देखकर एडवर्ड भी बड़ा खुश हुआ।